तो अब हम एक बात और करके फिर अभ्यास करेंगे, पर ऐसा अभ्यास करेंगे कि यहां से चारों ओर शांति की किरणें फैलने लगे। जब हम योग करते हैं तो हम याद रहे योगी माना चलते फिरते लाइट हाउस। लाइट हाउस से क्या होता है बोलो, चारों ओर प्रकाश फैलता है। चलो बस वही लेके थोड़ा पढ़ लो, हमसे भी चलते फिरते प्रकाश फैलता है। देखो क्या क्या होगा यदि आप बहुत सुंदर योग चलते फिरते करने लगे। आप घूम रहे, मान लो ये लोन है, इसमें आप घूम रहे हैं, हवा आपसे स्पर्श करके बह रही है, तो हवा आपके पवित्र वाइब्रेशंस को लेकर बहने लगेगी। और हवा कहाँ कहाँ पहुंचेगी, सारे संसार। ये पवित्र वाइब्रेशन हवा के माध्यम से विश्व में फैलने लगे। आप योगयुक्त होकर चल रहे हो, आपके कदमों से पवित्र किरणें धरती में समाने लगे। तो प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा होती है योगयुक्त रहने से। केवल एक बार मौका मिलता है योगी बनने का, बाकी कभी नहीं। से बहुत योगी हुए संसार में, पर किसी का भी नाता सेवाला से नहीं था। एक बार मौका मिला है उसे मेरा कहने का, ये वजह ना, ये मेरा बाबा केवल कहने के लिए है या सचमुच वो मेरा है। गीता बहन ने आपको ये क्लास करा दी है, वो मेरा है। जैसे आपको अपने अपनों को देखकर कैसी फीलिंग होती है, अपनों को देखकर, परायों को देखकर, अपनों को देखकर, दोनों में अंतर हम सब जानते हैं। पराया व्यक्ति कितना भी हम उसको प्यार करते हो, लेकिन अपनों की बात अपनी है। बाबा से भी अपना पन होने लगे, वो मेरा है। तो योगी चलते फिरते लाइट हाउस है। बाबा की मुरली ने आप सबने सुना होगा, जब तुम ऐश्वर्य होने का अभ्यास करते हो तो सारे संसार में शांति की किरणें फैलती है। और जब तुम सुदर्शन चक्रधारी होते हो तो चारों ओर क्या कहते थे, खुशी की किरणें फैलती है, सुख फैलता है। ये रहस्य हैं जो स्वयं बाबा ने ही सिखाए हैं। तो हमसे एक बात और सुने, जितने कम संकल्प हमारे मन में चलेंगे, कम, उतनी ही पावरफुल किरणें हमसे संसार में फैलेंगे। सब ये सिद्धांत याद रखें। इस समय मनुष्य के मन में हर मिनट में 25-30 संकल्प उठते हैं, किसी के संकल्प ये 40 तक पहुंच जाते हैं एक मिनट में। हमें इसे धीमा करना है, 25 से 20 से 15 से 10। सतयुग में जब हम थे तो हमारे मन में 8-10 संकल्प प्रति मिनट उठते थे। अगर एक योगी आत्मा इस समय अपने मन को यहां ले आए कि हर मिनट 8-10 संकल्प उठ रहे, चलते फिरते काम करते, घरों में रहते, तो वो महान योगी बन जाते हैं
और उनके द्वारा इस संसार का बहुत कल्याण होता है। चले अब हम सभी सारे संसार में पवित्रता की किरणें फैलाएंगे और विशेष रूप से सब याद रखेंगे, प्रकृति को हमारे पवित्र वाइब्रेशंस की बहुत प्यार है, उन वाइब्रेशंस को तेजी से ग्रहण करती है, क्योंकि पवित्र वाइब्रेशन से ही प्रकृति सबको प्रदान करती है। संकल्प करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, आत्मा चमक रही है मस्तक में और शरीर है लाइट का, अलग अलग देखी दोनों को। और मेरे अंग अंग से चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही है। मैं हूं लाइट हाउस, वाइट हाउस का हिस्सा। मैं प्रकृति का मालिक हूं, परमधाम में बुद्धि के चरणों पर चमक रही है महाज्योति। आकाश से बहुत दूर ज्योति स्वरूप ज्ञान सूर्य पवित्रता के स्वर में सबसे ऊपर चमक रहे हैं। सूक्ष्म पर सर्वशक्तिमान सृष्टि को पावन करने वाले पवित्रता के साधन अब उनकी ये पवित्र किरणें नीचे आ रही है, मुझ पर पड़ रही है, समा रही ऊपर से जैसे कि पवित्र किरणों की बरसात हो रही अभी ये पवित्र किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही है। प्रकृति के पांचों तत्व भी ग्रहण कर रहे हैं,
ओम्स।